हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों के 7 अप्रैल को हुए चुनाव और नतीजे घोषित होने के 6 दिन बाद 3 नगर निगमों को मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। धर्मशाला में भाजपा के ओमकार नेहरिया मेयर बने हैं और निर्दलीय पार्षद सर्वचंद ग्लोटिया को भाजपा ने अपने पक्ष में कर उप महापौर चुन लिया है। धर्मशाला में 17 में से भाजपा के 8 पार्षद जीते थे, लेकिन भाजपा ने यहां निर्दलियों को साथ मिला लिया। चुना गया ये तो हमारी किस्मत है, हमारी पार्टी जो बहुत स्ट्रांग है और हमारी पार्टी के आगे कोई भी अभी चैलेंज नहीं। तो 15 वोट पड़ने थे और अभी हमारा जो डिप्टी मेयर है उसको 11 वोट पड़े थे। 11-6 तो नई जिम्मेवारी मिली है, किस तरह कॉर्पोरेशन में अब काम करेंगे? नई जिम्मेवारी नहीं है, मैं 20 साल से कॉर्पोरेशन में हूँ और नगर निगम में, आगे जितने भी काम बचे हुए हम उनको करेंगे। और मैं आज आपके माध्यम से पठानिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो धर्मशाला में आकर पठानिया जी को जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं सबसे पहले तो अपना श्रेय देता हूँ, देना चाहता हूँ अपने वोटरों को जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया सबका, अपने जितने वोटर थे और उसके बाद जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी जैसे जीता मैं आया, मेरा सम्मान किया और मेरे को बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रभारी राकेश पठानिया जी, अपने सांसद किशन कपूर जी, हमारे परिषद नाग जी, प्रदेश के अध्यक्ष नेहरिया जी, विशाल नेहरिया, उन सब ने मेरे को अच्छे तरीके से, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर था तो मेरे को अच्छा लगा और बाद में सम्मान भी मिला आपके सामने जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ सबका। बड़ी जिम्मेदारी मिली है जी, बड़ी जी तो जिम्मेदारी जो है बड़ी जिम्मेवारियाँ तो बड़ी है, लेकिन हम सब मिलके काम करें और हर हर उसका बाढ़ का विस्तार से एक बराबर विस्तार करेंगे और जनता को इस जो हमें एक इतना अच्छा मैंडेट दिया है बीजेपी को उसका हम अच्छा उनको रिजल्ट देंगे, क्योंकि जनता को पता लगे कि एक अच्छी सरकार को उन्होंने मैंडेट दिया है और अच्छे कार्य हुए। कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उसमें से आज 3 कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी संपन्न हुए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 3 में से 2 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये धर्मशाला पिछली बार कांग्रेस जीती थी, हमने कांग्रेस से छीनी है। प्रदेश की शिमला के बाद दूसरी बड़ी कॉरपोरेशन ये है और मैं यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों साथी चुन करके आए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं मंडी के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि मंडी में दोनों चुनाव जो है वो मेयर डिप्टी मेयर के निर्विरोध चुने संपन्न हुए हैं और उन वहाँ पर भी मैं बधाई देता हूँ। मैं धर्मशाला की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया और भारतीय जनता पार्टी को धर्मशाला की इस महत्वपूर्ण नगर निगम में काम करने का अवसर दिया है, उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं धर्मशाला की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ओंकार नेहरिया जी जो हमारे यहाँ पर मेयर चुन करके आए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे गनोटिया जी हमारे डिप्टी मेयर यहाँ पर जो चुन करके आए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितने भी हमारे काउंसलर यहाँ पर हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि अच्छी फाइट यहाँ पर हुई, अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ और उस कॉन्टेस्ट में हम यहाँ पर बड़ी पार्टी के रूप में जीत करके आए थे। आज दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन करके आए तो ने बहुत लगन के साथ काम किया, मेहनत की और यहाँ पर जो पार्टी का जो हमारा नेतृत्व तो जो जिनको जिम्मेवारियाँ दी गई थी यहाँ पर हमारे राकेश पठानिया को यहाँ पर प्रभारी के नाते और इनके साथ में हमारे किशन कपूर जी और विशाल नेहरिया ये सब लोग जो है मिल करके एक टीम के नाते काम करने के लिए जुटे और एक एक सीट पर अच्छा काम हुआ, प्रदर्शन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर जीते हैं। धर्मशाला के लिए विशेष तोहफा क्या होगा आप, क्योंकि देखिए अभी ऐसा है कि जल्दबाजी में सारी चीजें नहीं, हमने कहा है कि बहुत सारी चीजें 150 करोड़ के शिलान्यास इस धर्मशाला में हमने स्मार्ट सिटी के किए हैं 2019 में, जिन पर काम चला है लेकिन धीमी गति से चला था
और अब जब कॉरपोरेशन हमारी यहाँ बन गई तो उनको जमीनी स्तर पर जो है वो तेज गति देंगे। और उसके साथ 100 करोड़ के हमने अलग से अभी कोई 3 महीने पहले जो है वो यहाँ पर और शिलान्यास किए हैं, उसका काम भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा। और यहाँ उसके अलावा भी सारी चीज़ों को लेकर के ओवरऑल धर्मशाला की डेवलपमेंट को लेकर के क्या चीज़ें बेहतर ढंग से की जा सकती है उसके लिए जल्दबाजी में कहने की आवश्यकता नहीं। हमारी टीम जो जीत करके आई है वो भी अपना प्लान करेंगे और उसके साथ मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ करके बेहतर से बेहतर सुविधाएं धर्मशाला शहर को मिले उस बात को सुनिश्चित करने की